साथियों, लेफ्ट पार्टियों के लिए अपनी पार्टी का संविधान देश के संविधान से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये तानाशाही रवैये के चलते लोगों से और जमीन से कटते जा रहे हैं। जिन पार्टियों के पास कभी दर्जनों सांसद, कई मुख्यमंत्री और सैकड़ों बिगड़ा विधायक होते थे, आज वो वामदल हाँफ रहा है। जमीन की राजनीति करने वाले उनके नेता अब जमीन पर नहीं बल्कि टेलीविजन स्टूडियो में ज्यादा नजर आते हैं। देश को दिशा देने की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वाम पंथ के ये नेता आज चुनाव ही नहीं लड़ रहे। दरअसल उन्हें देश को दिशा नहीं देनी होती बल्कि अपनी दशा ठीक करनी होती है। और इसलिए वाम दल जब सत्ता में होते हैं तो राजनीतिक हिंसा और बदले की हर सीमा लांघ जाते हैं। कांग्रेस वाम दल और उनके सहयोगियों की नीतियों के आप भी गवाह रहे हैं। उनकी ज्यादातर नीतियां अपने स्वार्थ के लिए है, लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए नहीं है। साथियों, अब ये पार्टियां मध्यम वर्ग पर बहुत बड़ा बोझ डालने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस समेत कुछ दल कहने लगे हैं कि मध्यम वर्ग पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या देश को उस लाइसेंस राज की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां लोगों की आय पर 70-80% टैक्स लगा करता था? क्या ये भारत को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां का मिडिल क्लास बर्बाद हो जाए? साथियों, चौकीदार पहरेदारी करते समय जागते रहो भी साथ साथ कहता चलता है। मैं भी आपको जागरूक कर रहा हूं। मैं त्रिपुरा समेत पूरे देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये मध्यम वर्ग का विरोध करने वालों से भी सावधान रहिए। आप हैरान हो जाएंगे, एक कांग्रेस पार्टी ने अभी 3 दिन पहले उनका मैनिफेस्टो निकाला, ढकोसला पत्र घोषित किया। 50-60 पेज का उनका ढकोसला पत्र है। 50-60 पेज के इस ढकोसला पत्र में एक बार भी मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग ये शब्द नहीं है। मध्यम वर्ग के प्रति इतनी नफरत, इतना गुस्सा, उनको लग रहा है कि मध्यम वर्ग ने मोदी को जिता दिया है और इसलिए अब ये मध्यम वर्ग को सजा देने पर तुले हैं। भाइयों बहनों, मध्यम वर्ग ईमानदार होता है, मध्यम वर्ग कानून का पालन करता है, मध्यम वर्ग का मानवी छोटे मोटे हर टैक्स भरता है। अगर उसी को खत्म कर दोगे तो देश का भला कैसे होगा, मैं समझ नहीं पाता। भाइयों बहनों, उनके लिए सत्ता पैसा कमाने का माध्यम है, हमारे लिए सत्ता ये सेवा का माध्यम है।